नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा। जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियां और राज्यों से उनकी जरूरतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा। कानून के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। 15 जनवरी को एक बार फिर से होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने राधा गोविंद मंदिर में पूजा की, जिसके बाद वो वर्धमान में रोड शो करेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके। रहमान लखवी को 15 साल की सजा दे दी गई है। ऐसे में टेरर फंडिंग मामले में लाहौर अदालत का फैसला सामने आ गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था लखवी। प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दिल्ली में मयूर विहार इलाके में एक पार्क में मृत कौए मिलने से हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। 7 बच्चों को बामुश्किल बचाया जा सका है। पुलिस जांच में जुटी। जिले में भी एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की ब्लेड से गर्दन काट के हत्या कर दी। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स ने देनदारी से बचने के लिए धमकी भरा खत खुद अपने घर पर भिजवाया और 25 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शख्स को किया गिरफ्तार। और वहीं मेरठ में 118 किलोमीटर तक खड़े लगभग 55,000 से ज्यादा पेड़ काटकर रोड बनाई जानी है। सेव इंडियन जन फाउंडेशन के संयोजक राजेश शर्मा ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को संशोधित करते हुए सड़क के पीछे किसानों की जमीन से मिलाकर बनाया जाए। पुलिस ने गुटके की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 15 करोड़ रुपए के गुटके के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक मस्जिद में बच्चे का शव मिला, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू। वहीं रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो फिसलकर खाई में जा गिरा था। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। राजस्थान के नागौर जिले में एक शक के चलते एक शख्स ने अपनी मंगेतर की हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में रेलवे ट्रैक के किनारे प्रेमी जोड़े का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के पास एक 312 बोर का तमंचा भी मिला है। पुलिस जांच कर रही है। आगरा में सेवानिवृत्त शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधी ने 70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को बैंक से संदेश आने पर इसकी जानकारी हुई। उन्होंने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा दिया। बाद में पुलिस से भी शिकायत की गई है। पीड़ित का कहना है कि 3 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। तक में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवों की शिनाख्त शुरू की। नोएडा के थाना दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की भारी खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 35 पिस्टल और 60 कारतूस किए जब्त। पुलिस तस्कर से पूछताछ में। पुलिस की स्पेशल सेल ने छतरपुर के पास एक एनकाउंटर के बाद हरियाणा के मेवाती गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस बदमाशों से उनके गिरोह के बारे में पूछताछ कर रही। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड मामले में संदिग्ध लाल डस्टर एक्सयूवी को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अब कार से सबूत जुटाने में लगी। अधिकारी जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की बात कह रहे हैं। में स्कूल खुलने के बाद मुंगेर जिले में एक स्कूल में 25 बच्चे और गया जिले में एक स्कूल के हेडमास्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद बिहार सरकार ने पूरे राज्य के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ का रैंडम कोरोना टेस्ट कराने का लिया फैसला। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि यहां लगने जा रहे माघ मेले में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी। इंडिया को लगा बड़ा झटका। सिंडी में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट के तीसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हुए घायल। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।